शायर फिराक गोरखपुरी जी की इन पंक्तियों के सहारे अपने जीवन की हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले एक्टर सत्येन से भला कौन अपरिचित होगा। दोस्तों, सत्येन कप्पू जी का करियर जितना शानदार और लंबा रहा, उतना ही प्रेरणा उनका संघर्ष भरा जीवन भी रहा। आप हज पे जाना चाहते हैं? देखता हूँ उसकी रहमत कभी गरीबों पे भी बरसती है या नहीं। बुला लिया बाबा, बुला लिया। आप हज पे जाएंगे? मैं? हाँ बाबा। लगभग 4 दशकों तक अपने अभिनय का जादू बिखेरने वाले एक्टर सत्येन कप्पू कभी हिंदी फिल्मों का एक ऐसा चेहरा हुआ करते थे कि उनके किसी एक किरदार के बिना कोई फिल्म पूरी ही नहीं होती थी। नजर रोज़ाए या बड़ा, हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में उनका एक किरदार रखने की कोशिश जरूर करता था। तुम्हारा पाप तुम्हारे मुंह पर ऐसा कस के तमाचा मारेगा जिसकी आवाज से तुम्हारा कलेजा तड़प उठेगा। 6 फरवरी 1931 को मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में सत्येन कप्पू का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था बुद्ध सिंह शर्मा। तुम फूट फूट कर रोओगे, लेकिन उस वक्त अफसोस तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इनकी माँ गंगा देवी मुंबई में डिलाइट कुल्फी नाम की एक बड़ी सी आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने वाले बुद्ध सिंह जी हरियाणा से जब मुंबई आए तो यहीं बस गए। सत्येन कप्पू जी के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था राधे श्याम शर्मा। दोस्तों, सत्येन कप्पू जी का असली नाम था सत्येंद्र शर्मा। चूँकि बचपन में उन्हें सब प्यार से कप्पू कप्पू कहकर बुलाते थे, इसलिए बाद में जब उन्होंने अपना फिल्मी नाम सत्येंद्र की जगह सत्येन रखा तो उसके साथ कप्पू को भी जोड़ लिया गया। दोस्तों, सत्येन कप्पू जब छोटे थे तभी उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और उसके बाद उनके कुछ रिश्तेदारों ने सत्येन कप्पू और उनके भाई को कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में छोड़ दिया। अब कहाँ जाओगे बाबा? भाई, इस वलीउल्लाह के चौखट को चूम के पूछूंगा जिन्हें मैं खो चुका हूँ वो कहाँ हैं। खुदा हाफिज असलम मियां। खुदा हाफिज। जहाँ बेहद कठिन अनुशासन के साथ संस्कृत भाषा में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, उस गुरुकुल के वार्षिकोत्सव समारोह में वहाँ के बड़े विद्यार्थी महाभारत पर आधारित नाटक किया करते थे जिसका असर सत्येन कप्पू पर भी पड़ा और उन्हें भी अभिनय करने का शौक हो गया। बाद में वो एक शादी में पानीपत आए तो गुरुकुल छोड़ आगे की पढ़ाई वहीं करने लगे और साथ ही नाटकों से भी जुड़े रहे। एक इंटरव्यू में सत्येन कप्पू जी ने बताया था कि पानीपत में रहने के दौरान उन्होंने रामलीला में सीता और कृष्णा लीला में राधा की भूमिका निभाई थी। लगभग 2 साल पानीपत में रहने के बाद जब वो 16-17 साल के हुए तो वो अपने बड़े भाई के साथ मुंबई आ गए जहां वो पैदा हुए थे और यहां आकर उन्होंने पहली बार एक फिल्म देखी जो थी लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार की सुपरहिट फिल्म किस्मत। इस फिल्म को देखकर दोस्तों सत्येन कप्पू जी को एक टेक्नोलॉजी पर बहुत ताजुब हुआ था क्योंकि आज़ादी के उस दौर में जीती जागती तस्वीरों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसी दौरान उन्होंने पृथ्वी थिएटर का एक नाटक देखा जिसका नाम था दीवार। इस नाटक को देखने के बाद उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया कि अब वो एक्टिंग को ही अपना करियर बनाएंगे। साल 1953, सत्येन कप्पू इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा में शामिल होकर नाटकों में काम करने लगे। सत्येन कप्पू इप्टा को ही अपना सबसे बड़ा स्कूल मानते थे दोस्तों, जहां उन्होंने न सिर्फ अभिनय को समझा बल्कि जीवन को जीने की कला भी सीखी। थिएटर में अभिनय के दौरान ही उस जमाने के मशहूर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इप्टा के प्रेसिडेंट बिमल रॉय जी ने उन्हें अपनी फिल्म नौकरी में हरफन मौला किशोर कुमार जी के साथ एक सीन करने का मौका दिया। दोस्तों, सत्येन कप्पू जी ने जब पहली बार कैमरा देखा और उसके सामने अभिनय किया तो उन्हें बहुत अजीब लगा था। वहाँ का पूरा माहौल ही उनको एकदम बनावटी सा लगा क्योंकि थिएटर में तो सामने एक एक्टर होता है या दर्शक होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक डब्बे के सामने अभिनय करना था। बहरहाल, इस फिल्म के बाद भी सत्येन कप्पू थिएटर में लगातार काम करते रहे। हालांकि थिएटर से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते थे,
कि उनका गुजारा हो सके, इसलिए रिश्तेदार और परिवार के लोग उन्हें एक नकारा लड़का ही समझते थे। इस दौरान बिमल रॉय ने सत्यन कप्पू को फिल्म बंदनी और काबुलीवाला में भी छोटी छोटी भूमिकाएं दी। बावजूद इसके सत्यन कप्पू जी ने नाटकों में काम करना नहीं छोड़ा। साल 1968 में इप्टा के नाटकों में किए उनके अभिनय को देखकर उन्हें 3 और फिल्में ऑफर हुईं, जो 70 के दशक में शुरुआती सालों में रिलीज हुई और बेहद कामयाब भी हुई। ये फिल्में थीं जवानी दीवानी, सीता और गीता और कटी पतंग। दोस्तों, सत्यन कप्पू अपनी ज़िंदगी में फिल्म जवानी दीवानी की बहुत अहम भूमिका मानते थे। वो कहते थे कि उनकी रोजी रोटी इसी फिल्म की बदौलत थी। इस फिल्म में उनका मामा का किरदार इतना मशहूर हुआ था कि उस फिल्म से जुड़े कई लोग उन्हें मामा ही कहकर पुकारा करते थे। इन फिल्मों की कामयाबी के बाद सत्यन कप्पू जी की गाड़ी भी चल निकली। आलम ये हुआ कि उसके बाद हर दूसरी तीसरी फिल्म में सत्यन कप्पू जी का कोई ना कोई किरदार ज़रूर हुआ करता था। सत्यन कप्पू जी ने सपनों का सौदागर, छोटी बहू, दो गज जमी के नीचे, यादों की बारात, बेनाम, शोले, डॉन, द बर्लिंग ट्रेन, दीवार, खोटे सिक्के, नसीब अपना अपना, दिल और राजा भैया जैसी सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोस्तों, 60 के दशक की शुरुआत से लेकर 2000 के दशक तक सत्यन कप्पू जी ने 350 से भी अधिक फिल्मों में शानदार और यादगार भूमिकाएं निभाईं, जिनमें हिंदी के अलावा राजस्थानी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, अवधी और ब्रज भाषा सहित अन्य भाषाओं की फिल्में भी शामिल हैं। उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों में डबिंग का काम भी किया था, जिनमें से एक थी गहरी चाल, जिसमें उन्होंने मुख्य खलनायक को शुरुआत में अपनी आवाज़ दी थी, और दूसरी फिल्म थी सुबह शाम, जिसमें उन्होंने ईरानी एक्टर मोहम्मद अली फरदीन के लिए अपनी आवाज़ डब की और टेलीविज़न धारावाहिकों में भी काम किया था। सत्यन कप्पू जी ने कुछ एक रेडियो नाटकों, जिसमें बाबा जी का बायोस्कोप नामक एक शो बहुत ही मशहूर हुआ था। फिल्मों में सत्यन कप्पू ज़्यादातर डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, बड़ा भाई और पिता की भूमिकाओं में नजर आए। हालांकि उनके सबसे मशहूर किरदारों में से फिल्म शोले में रामलाल की भूमिका सबसे यादगार मानी जाती है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि फिल्म शोले में संजीव कुमार की परछाई बनकर रहने वाले सत्यन कप्पू ने ही संजीव कुमार को मुंबई के थिएटर में पहला मौका दिलवाया था। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि साल 1957 में महान एक्टर संजीव कुमार जब काम की तलाश में मुंबई आए तो इप्टा में काम करने के लिए उनके पास ही पहुंचे थे और सत्यन कप्पू के ज़रिए ही इप्टा से जुड़े थे, जहां उन्होंने सत्यन कप्पू के साथ कई नाटकों में काम किया था। अशोक कुमार जैसे वर्सेटाइल एक्टर को अपना आइडियल मानने वाले सत्यन कप्पू शुरू से ही एक अभिनेता तो बनना चाहते थे, लेकिन वो कभी भी फिल्मों में हीरो नहीं बनना चाहते थे, बल्कि खुद को एक कैरेक्टर आर्टिस्ट ही बनाना चाहते थे। इसकी वजह ये थी दोस्तों कि हीरो के हिस्से में सिर्फ रोमांस आता है और कैरेक्टर आर्टिस्ट को हर तरह का अभिनय करने को मिल जाता है। दोस्तों, सत्यन कप्पू जी अपने जीवन के आखिरी दिनों तक अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय रहे थे। उनकी आखिरी फिल्म साल 2006 में रिलीज हुई थी। अगर वाकई मेरा आखिरी वक्त आ गया है तो मुझे परवरदिगार का शुक्र अदा कर लेने दो, जिसका नाम था सरहद पार। और 27 अक्टूबर 2007 को सत्यन कप्पू जी को दिल का दौरा पड़ा और वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। बताया जाता था दोस्तों कि सत्यन कप्पू जी मधुमेह के रोगी थे और उन्हें उच्च रक्तचाप भी था। दोस्तों, सत्यन कप्पू जी अक्सर कहा करते थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे जो अनुभव दिया उसने मुझे लायक बना दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।